दिस इज केतन अग्रवाल, वेलकम टू माई चैनल। तो इस वक्त निफ्टी में हमें काफ़ी ज़्यादा फॉल देखने को मिल रहा है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से। करीब 500 या तो 400-500 पॉइंट्स के बीच में हमें फॉल देखने को मिला है निफ्टी में, जबकि इससे पहले निफ्टी काफ़ी अच्छा हमें राइज दे रहा था। एंड इनफैक्ट निफ्टी ने एक न्यू हाई भी क्रिएट किया था अराउंड 18,900 पॉइंट्स के आसपास, बट उसके बाद से निफ्टी वापस से गिरने लगा है। एंड ये गिरने का कारण क्या है, इसका क्या रीज़न है कि निफ्टी में वापस हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, जबकि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है जो कि इंडिया के लिए पॉजिटिव है। रुपी भी काफ़ी ज़्यादा वापस से स्ट्रांग हो चुका है डॉलर के अगेंस्ट में। तो जब कॉमोडिटीज़ वापस सस्ता होने लगा है, इन्फ्लेशन जो कि काफ़ी बढ़ा हुआ था वो भी काफ़ी कंट्रोल होने लगा है, विद इन 6% इन्फ्लेशन आ चुका है इंडिया का, एंड उसके बाद हमें निफ्टी में क्यों प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी का, एंड फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस दोनों करेंगे निफ्टी का। एंड इसके अलावा मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कोविड के टाइम में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी आपका होना चाहिए अगर अभी कोविड की वजह से स्टॉक मार्केट वापस गिरता है तो। एंड तीसरा, आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जो पिछले कुछ महीनों में 40% का फॉल दिया है अपने ऑल टाइम हाई से, जबकि कंपनी का नंबर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कंपनी का रेवेन्यू में हमें 84% का राइज देखने को मिला पिछले एक साल के अंदर, एंड कंपनी के प्रॉफिट में हमें 138% का राइज देखने को मिला पिछले एक साल के अंदर अंदर। एट द सेम टाइम कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, एंड कंपनी का जो कैश फ्लो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी में मुझे लगता है कि अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि कंपनी का एक अच्छा एक्सपेंशन प्लान भी है बिज़नेस का। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो मेरा नाम है केतन अग्रवाल, आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी की एनालिसिस के साथ, एंड सबसे पहले हम फंडामेंटल फैक्टर्स कवर कर लेते हैं जो कि निफ्टी को रिसेंट पास में अफेक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से निफ्टी ऊपर नहीं जा पा रहा था, एंड वहाँ पे कुछ कुछ हमें करेक्शन देखने को मिला था, एंड उसके बाद निफ्टी वापस अच्छा राइज हमें दिया था। बट अभी क्यों वापस से निफ्टी में फॉल आ रहा है, क्या लॉजिक है, उसको हम पहले समझते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस को देख लेते हैं जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट को काफ़ी हेवीली अफेक्ट कर रहा था रिसेंट पास्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्रूड ऑयल का प्राइस था वो काफ़ी बढ़ा हुआ था पिछले कुछ महीनों में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अराउंड जून के मंथ में, जून 2022 में क्रूड ऑयल का प्राइस देख सकते हैं अराउंड $122 पर बैरल था, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बड़ा ऑयल इम्पोर्टिंग कंट्री है। बट उसके बाद से हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा फॉल देखने को मिला क्रूड ऑयल के प्राइस में, एंड वैसे वैसे जैसे जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस गिरता हो गया वैसे वैसे निफ्टी में हमें वापस रिकवरी देखने को मिला था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त क्रूड ऑयल का प्राइस काफ़ी ज़्यादा लो है कंपेयर टू अपने ऑल टाइम हाई से, 122 या तो 125 के आसपास बोल सकते हैं, जो कि इस वक्त 77 पे अवेलेबल है, $77 पर बैरल। तो यहाँ पे जैसे क्रूड ऑयल सस्ता होता है इंडिया के लिए वो फायदे वाले सिचुएशन होता है, केमिकल इंडस्ट्री के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। एंड क्रूड ऑयल एक ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से सारे के सारे इंडस्ट्री अफेक्ट होते हैं डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, क्योंकि सारे की सारी कंपनीज ट्रांसपोर्ट तो किसी ना किसी प्रकार में यूज़ करते हैं, चाहे तो वो रॉ मेटल प्रोक्यूरमेंट के टाइम में हो या तो फिर फिनिश गुड्स को सेल करते समय हो, तो ट्रांसपोर्ट तो यहाँ पे यूज़ होता ही है। तो अगर ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ जाता तो एनीवेज काफ़ी गुड्स का प्राइस बढ़ने लगता है मार्केट में, एंड उसकी वजह से इन्फ्लेशन जैसा सिचुएशन भी नज़र आता है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया जाता है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, एंड उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में फॉल आता है। बट यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस तो गिर चुका है तो अब हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नज़र नहीं आता है, एंड ये इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी बेहतर सिचुएशन है। तो फंडामेंटली अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल का प्राइस गिरना इंडिया के लिए पॉजिटिव बात है, तो ये तो पॉजिटिव वाला सिचुएशन हो गया। दूसरा, अब यूएसडी एनर का प्राइस को देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रूपी यूएसडी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है वापस से। तो यूएसडी का प्राइस ऑलमोस्ट 83 तक चला गया था जो कि इस वक्त गिर के 81.66 में आया है। तो यानी कि अगर इंडियन रूपी डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रांग होता है तो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि इंडिया अगेन मेजर इंपोर्टिंग कंट्री है, तो इंडिया का अगर करेंसी का वैल्यू स्ट्रांग होता है तो इंडिया के लिए फायदे वाला सिचुएशन होता है। तो यहाँ पे भी हम ग्रीन फ्लैग दिखा सकते हैं कि फंडामेंटली निफ्टी को ये सारे सिचुएशन सपोर्ट करने वाले हैं, क्रूड ऑयल का लो प्राइस, रुपी का स्ट्रांग होना इंडियन इकोनॉमी के लिए फायदे वाला सिचुएशन है। तीसरा, अगर हम गोल्ड का प्राइस को एनालाइज करेंगे तो गोल्ड का प्राइस से हमें ये पता चलता है कि इस वक्त ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया जाएगा यूएस में,
क्योंकि देखो गोल्ड एंड डॉलर का ना काफ़ी ज़्यादा इन्वर्स रिलेशन ऐसा बोल सकते हैं। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डॉलर स्ट्रांग होता है एंड गोल्ड नीचे गिरता है। एंड जब भी ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा यानी कि डॉलर वीक होता है एंड गोल्ड का प्राइस ऊपर चढ़ता है। तो इसी वजह से इंडियन रुपी भी इस वक्त स्ट्रांग हमें नज़र आ रहा है क्योंकि डॉलर वीक होता जा रहा है, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया जाएगा एंड उसके वजह से ही गोल्ड भी वापस महंगा होता हुआ जा रहा है। तो गोल्ड आप देख सकते हो जब इंटरेस्ट रेट एग्रेसिवली बढ़ाया जा रहा था फेड के द्वारा यूएस में, तब गोल्ड कितना गिर गया था, 1632 के आसपास आ गया था पर 100 आउंस ऑफ गोल्ड एंड इस वक्त अभी अराउंड 1885 में है, यानी कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इसलिए गोल्ड वापस महंगा होता हुआ जा रहा है, गोल्ड वापस चढ़ता हुआ जा रहा है। तो अगेन ये भी एक पॉजिटिव बात है पूरे इंडियन इकोनॉमी के लिए। एंड अब हम एक और फैक्टर को कंसिडर कर लेते हैं निफ्टी को एनालाइज करने के लिए, तो वो है अब इन्फ्लेशन का सिचुएशन। तो आज 12 जनवरी को इंडिया एज वेल एज यूएस का इन्फ्लेशन का न्यूज़ आने वाला है, यानी कि इन्फ्लेशन किस रेट में है इंडिया एंड यूएस में, दोनों का आज न्यूज़ आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे आज इंडिया का इन्फ्लेशन का न्यूज़ आने वाला है 5:30 PM को बोल सकते हैं, 5:30 PM को इंडिया का इन्फ्लेशन का न्यूज़ आएगा। CPI यहाँ पे लिखा हुआ है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अराउंड 5.99% इंडिया का इन्फ्लेशन रहने वाला है दिसंबर मंथ का इन्फ्लेशन डेटा। तो RBI का जो इन्फ्लेशन का टारगेट है इंडिया में वो बिटवीन 2% टू 6% है एंड इंडिया का इन्फ्लेशन इस वक्त 6 के अंदर अंदर ही है एंड इस बार भी ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 6 के अंदर ही रहेगा। एंड अगर इन्फ्लेशन का डेटा 5.9 से बिलो आता है तब वो और भी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो देखते हैं डेटा क्या आता है, इस वक्त तो पॉजिटिव ही डेटा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एंड बात करोगे यूएस का तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएस का भी इन्फ्लेशन का न्यूज़ आने वाला है, करीब 7 बजे आएगा इंडियन टाइम के हिसाब से। यहाँ पे आप देख सकते हैं CPI YoY, तो दिसंबर के डेटा आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएस का इन्फ्लेशन 7.1% आया था एंड इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 6.5% आएगा। तो अगर इन्फ्लेशन 6.5% या तो उससे बिलो आता तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माना जाएगा यूएस के लिए भी। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ, जो यूएस की सेंट्रल बैंक है यानी कि फेडरल रिजर्व, उनका टारगेट है इन्फ्लेशन को 2% के अंदर रखना, बट इस वक्त वहाँ पे इन्फ्लेशन 6.5% भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है अपने टारगेट से, जबकि इंडिया का इन्फ्लेशन अपने टारगेट के अंदर ही है। तो इंडिया का कंडीशन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू यूएस। तो देखते हैं कि आज का न्यूज़ क्या था, अगर ये पॉजिटिव आता है तो यूएस के मार्केट में हमें अच्छा खासा क्लाइंब देखने को मिल सकता है एज वेल एज इंडियन मार्केट में भी हमें अच्छा क्लाइंब देखने को मिल सकता है ये इन्फ्लेशन का न्यूज़ के बाद। तो ये सारे फैक्टर तो आप देख सकते हैं कि मोस्टली पॉजिटिव ही साइड है। तो ऐसा क्या फैक्टर है जिसकी वजह से फंडामेंटली जो प्रेशर डाल रहा है निफ्टी के ऊपर, तो सबसे पहला तो मैं आपको बता देता हूँ चाइना का कोविड वाला सिचुएशन है, जो कि इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाया हुआ है पूरा ग्लोबल इकोनॉमी में बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं चाइना का सिचुएशन कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। चाइना ऐसा भी क्लेम कर रहा है कि उनका जो पीक है वो चला जा चुका है, जबकि WHO का ऐसा मानना नहीं है इस वक्त। तो चाइना के वजह से पूरे ग्लोबल मार्केट में इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि चाइना एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। तो ये एक बड़ा रीज़न है फंडामेंटली जो कि नेगेटिव साइड में है। एंड एज वेल एज जो यूक्रेन एंड रशिया का जो वॉर वाला सिचुएशन वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब वाला सिचुएशन है, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है इस वक्त ग्लोबल मार्केट में। तो जब तक ये सिचुएशन दोनों बेटर ना हो जाए तो हमें थोड़ा सा प्रेशर नज़र आएगा मार्केट में। तो ठीक है, तो यहाँ पे वॉर एंड कोविड वाला एक नेगेटिव साइड है। ऑन द पॉजिटिव साइड अगर आप देखोगे तो कॉमोडिटीज़ का प्राइस अच्छा हो चुका है ना, यानी कि क्रूड ऑयल का प्राइस गिर गया है, रुपीज़ स्ट्रांग हो गया है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होने लगा, तो ये सब पॉजिटिव फैक्टर है जो कि निफ्टी को अपसाइड मूवमेंट के लिए हेल्प करेंगे। तो ये था फंडामेंटल एनालिसिस निफ्टी का। एंड अब हम जल्दी से थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं निफ्टी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है एंड ये आज का प्राइस आप देख सकते हैं निफ्टी अराउंड 17,783 में है, जो कि इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया में ही प्ले कर रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी का एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अराउंड 17,780 लेवल पे बोल सकते हैं, जो कि अराउंड करेंट प्राइस यहीं पे प्ले कर रहा है निफ्टी। ठीक है, तो बिल्कुल अपने सपोर्ट में इस वक्त निफ्टी बैठा हुआ है एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है जहाँ पे इस वक्त निफ्टी है, तब हमें एक नेक्स्ट लेवल देखने को मिल सकता है एंड वो लेवल हो सकता है 17,500 के आसपास, इस जगह पे हमें निफ्टी वापस देखने को मिल सकता है अगर आज का जो लेवल है अगर वो ब्रेक होता है तब। तो ये टेक्निकली है, अगर कुछ फंडामेंटली पॉजिटिव
न्यूज़ आ जाता है तब वो रिवर्सल भी जा सकता है। बट अगर टेक्निकली देखोगे, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है यहाँ पे, अगर हेवीली बाय नहीं हो रहा है, यानी कि मार्केट 17,500 का वेट करेगा हेवी बाय करने से पहले, वापस रिबाउंड देखने से। लाइक वापस रिबाउंड तभी आएगा निफ्टी में जब तक मार्केट फिर 17,500 के आसपास ना पहुँच जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस वाला रखने का वाला सिचुएशन है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड मार्केट तो इस वक्त मुझे लगता है कि गिरने ही वाला है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में नज़र आ रहा है, क्योंकि एक अच्छा लेवल है 17,780 वाला। बट यहाँ पे अगर बाय नहीं होता है हेवीली तब ऑब्वियसली निफ्टी तो गिरेगा ही गिरेगा। तो टेक्निकली आप देख सकते हैं ये दोनों लेवल को ध्यान रखें, 17,500 एंड 17,780। ऑन द अपसाइड पॉजिटिव अगर आप बात करोगे, अगर निफ्टी इसके ऊपर चले जाता है, अराउंड इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर जाता है, अराउंड 18,200 के आसपास बोल सकते हैं, या तो 150 बोल सकते हैं, अगर निफ्टी इसके ऊपर जाता है तब हमें पता चलता है कि निफ्टी में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी, यानी कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आने लगा, तभी निफ्टी 18,150 लेवल को ब्रेक करेगा, वरना ब्रेक नहीं करेगा इस वक्त निफ्टी। तो अगर पॉजिटिव बात है तभी ब्रेक होगा, नहीं तो नहीं होगा ये लेवल। तो ये था एनालिसिस निफ्टी का, टेक्निकल एंड एज वेल एज फंडामेंटल एनालिसिस। एंड अब हम यहाँ पे इस वीडियो का सेकेंड पार्ट को कवर कर लेते हैं कि आपको कोविड के टाइम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सवाल बेसिकली ये है कि अब कोविड वापस फैलने लगा है चाइना में, एंड हो सकता है कि इंडिया में भी वापस कोविड फैले। एंड इस वक्त क्योंकि मार्केट कोविड की वजह से गिरेगा, वॉर की वजह से गिरना ही है, ऑब्वियस बात है वो, तो हमें इस वक्त अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या तो फिर इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देना चाहिए? क्या हमें अपना SIP को कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर हमें अपना SIP करना बंद कर देना चाहिए? तो क्या करना चाहिए, क्या करना सही रहेगा, क्या करना गलत रहेगा, तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इन शॉर्ट आपको मैं ये बता देता हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट करना तो कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, चाहे जैसा भी मार्केट का सिचुएशन हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे वो ऑल टाइम हाई में हो, चाहे वो ऑल टाइम लो में हो। इन्वेस्टमेंट करना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एंड आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मार्केट इस वक्त लो है कि मार्केट इस वक्त हाई है। अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिसिप्लिन से इन्वेस्टमेंट करते हैं, SIP इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपका सिर्फ एक ही रोल है कि आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना है। मार्केट कहाँ पे जा रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, उससे आपका कुछ लेना देना नहीं है। इस बात को आप अपने ध्यान में अच्छे से रख लो, अपने दिमाग में इसको फिट कर लो। तो इस वक्त ऐसा हो सकता है कि कई लोग सोच रहे होंगे मार्केट तो गिर रहा है, एंड हो सकता है कि और भी गिरेगा, तो हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देना चाहिए, एंड जब पूरा मार्केट अच्छे से नीचे गिर जाएगा, पूरा बॉटम आ जाएगा, तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक बहुत ही ख़राब स्ट्रैटेजी है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो, क्योंकि मार्केट का बॉटम प्रेडिक्ट करना कभी भी आसान नहीं होता, कोई मार्केट का बॉटम को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि मार्केट 16,000 तक जाएगा, बट मार्केट हो सकता है कि 17,000 से ही रिवर्स हो जाए, एंड आप वो बाय करने वाला अपॉर्चुनिटी 17,000 लेवल पर भी मिस कर देंगे। तो मार्केट का लेवल को कभी भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश ना करें, मार्केट का टाइमिंग को कभी प्रेडिक्ट करने की कोशिश ना करें। टाइमिंग आप कभी नहीं कर पाओगे, मार्केट के लेवल को भी कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट शॉर्ट टर्म में या तो लॉन्ग टर्म में किस तरफ मूव कर सकता है, बट आप कभी भी एग्जैक्ट लेवल को नहीं डिसाइड कर पाओगे, क्यों कि मार्केट किस लेवल से वापस ऊपर जाएगा या तो किस लेवल से मार्केट नीचे गिरेगा, बहुत ही कठिन होता है इसको लॉन्ग टर्म में या तो शॉर्ट टर्म में इसको डिसाइड करना। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहें, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। एंड ध्यान रखें, अगर आपने मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है हाई लेवल पे, एंड मार्केट गिर रहा है, एंड आपको डर लग रहा है कि मेरा पैसा और भी हो सकता है कि डूब जाए, तो और भी वैल्यू कम हो जाए, क्योंकि एनीवेज मार्केट तो गिर ही रहा है, तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, एंड जब मार्केट वापस ऊपर चढ़ने लगेगा तब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। तो ये बात मैं आपको बता देता हूँ, जब मार्केट बुरी तरह गिरता है ना, तब खरीदने का हिम्मत किसी का नहीं होता है, बट उस समय आपको डिसिप्लिन वे में SIP इन्वेस्टमेंट करना है। आज निफ्टी 17,700 के लेवल पे है, एंड अगर वो कल को 15,000 लेवल पे आ जाए, तब आपका खरीदने का हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपको ये लगेगा कि निफ्टी अब यहाँ से क्रैश करने वाला है, हो सकता है कि 12,000 तक भी गिर जाए, एंड इस वजह से आप परचेज नहीं करोगे, जो कि एक बहुत ही बुरा डिसीजन होगा। ठीक है, आपको एक डेट फिक्स करना है, एक अमाउंट फिक्स करना है, एंड मार्केट किसी भी लेवल पे हो, आप उस डेट को उतना अमाउंट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे। यही एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है, एंड बाकी जितना भी नॉइज़ है मार्केट में उसको आपको नहीं सुनना है। तो यही है मेरा एडवाइस आपके लिए, अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हो एंड कोविड की वजह से डर रहे हो, तो मत डरो, चुपचाप से इन्वेस्टमेंट करते रहो एंड रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहो, वही बेस्ट स्ट्रेटेजी होता है, एंड इसका साइंटिफिकली इसको देखा गया है, एक लंबे समय में इसको देखा गया है।
तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं वीडियो का सेकेंड पार्ट, एंड अब हम यहाँ पे वीडियो का थर्ड पार्ट को कवर करने वाले हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पे बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मुझे इस वक्त नज़र आता है। तो इस कंपनी का नाम है तिरुमलाई केमिकल लिमिटेड, एंड नाम सब समझ गए होंगे कि ये कंपनी केमिकल के बिजनेस में है। एंड ये कंपनी बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल काइंड ऑफ प्रोवाइड करती है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है, क्योंकि कंपनी अगर बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है तो कंपनी का बिजनेस रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो डिटेल्स में देखते हैं इस कंपनी के बारे में, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तिरुमलाई केमिकल लिमिटेड के। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, एंड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी आपको नज़र आ सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तिरुमलाई केमिकल केमिकल का बिजनेस में है। तो ये चार टाइप का मेन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, फैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड एंड फाइन केमिकल्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो ये कंपनी का चार मेन प्रोडक्ट लाइन है, एंड उसके अलावा कंपनी का प्रेजेंस 34 डिफरेंट कंट्रीज में है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। तो जो फैलिक एनहाइड्राइड है उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, तो प्लास्टिसाइजर, पिगमेंट, डाई, रेजिन्स में इसका इस्तेमाल होता है। फ्लेक्सिबल प्लास्टिक प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि वायर हो गया, केबल्स हो गया, या तो पाइप्स हो गया, कोटेड फैब्रिक हो गया, इस सब सारे जगह पे फैलिक एनहाइड्राइड का इस्तेमाल होता है। ब्लेंडेड फाइबर ग्लास में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कंस्ट्रक्शन मैराइन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, या तो फिर हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट रिपेलेंट में इस टाइप का केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था फैलिक एनहाइड्राइड का यूसेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री में इस पर्टिकुलर केमिकल का इस्तेमाल होता है। उसी प्रकार मैलिक एसिड का जो इस्तेमाल होता है फूड इंडस्ट्री में होता है, या तो फिर सुगर्स, या तो हाई इंटेंसिटी स्वीटनर, फ्लेवर्स, इस सारे फूड वाले कैटेगरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, फूड में, बेवरेजेस में, या तो कॉन्फेक्शनरी में इसका इस्तेमाल होता है, या तो फिर इसका इस्तेमाल स्किन केयर, डेंटल केयर प्रोडक्ट्स में होता है, जैसे कि कफ सिरप हो गया, टूथपेस्ट, माउथ वॉश, इस टाइप के प्रोडक्ट में मैलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। एंड फ्यूमेरिक एसिड का अगेन इस्तेमाल मेडिसिन में होता है, फूड में होता है, ड्रिंक्स में होता है, क्लिंजर में होता है, प्रिंटिंग इंक, या तो फिर फूड एडिक्टिव जैसे, या तो बेकरी आइटम में फ्यूमेरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी प्रकार अगर आप फाइन केमिकल्स देखोगे तो इसका इस्तेमाल भी टूथब्रश हो गया, या तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो गया, तो ऐसा जो भी प्लास्टिक का प्रोडक्ट्स होता है जो कि काफ़ी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइप होता है, तो जैसे कि टूथब्रश थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, या तो ऑटोमोबाइल का पार्ट्स हो गया, या तो फिर कॉस्मेटिक्स हो गया, फूड पैकेजिंग का जो मटेरियल होता है, टॉयज हो गया, टॉयज भी आपको पता होगा किस तरह से रबर टाइप का प्लास्टिक जो होता है, तो रबर टाइप प्लास्टिक होता है जो कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, तो उस टाइप के चीज़ों में फाइन केमिकल का इस्तेमाल होता है, या तो फिर परफ्यूम्स में, हेयर स्प्रे, नेल पॉलिश, यानी कि बेसिकली कॉस्मेटिक आइटम में इस टाइप का इस्तेमाल किया जाता है, तो डिटर्जेंट हो गया, सोप्स, लोशन, स्किन केयर, ये सारे चीज़ में फाइन केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। एंड कुछ कुछ आपको हाईलाइट्स बता देता हूँ कंपनी का, मेजर हाईलाइट्स क्या हुआ है पिछले साल में। तो कंपनी का एक्सपोर्ट मार्केट में काफ़ी अच्छा हमें राइज देखने को मिला। तो कंपनी का एक्सपोर्ट 15,000 लाख का हुआ, जो कि पिछले साल सिर्फ 6,000 लाख का था। तो यहाँ पे अच्छा खासा कंपनी का एक्सपोर्ट रेवेन्यू में हमें जंप देखने को मिला। एंड कंपनी का पिछले एक साल से काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिमांड है, लास्ट क्वार्टर में अच्छा डिमांड हुआ था कंपनी का, जो कि इस वक्त भी कंटिन्यू चल रहा है, जो कि अगेन पॉजिटिव बात है। एंड कंपनी ने कुछ कुछ इनिशिएटिव लिया है, जहाँ पे जैसे कि कंपनी ने अपने एनर्जी कॉस्ट को कम किया है, जो कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने में मदद किया है। उसी प्रकार कंपनी का जो फैलिक एनहाइड्रेट का जो प्लांट है, वहाँ पे कंपनी का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट भी कम हुआ है, एनर्जी कॉस्ट भी कंपनी का कम हुआ है, जो कि अगेन कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन को इम्प्रूव किया है। तो क्योंकि कंपनी का भी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल भी अच्छा है, यानी कंपनी का कैश फ्लो अच्छा है, उसकी वजह से कंपनी आगे जो फ्यूचर का जो कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान है उसको कंपनी इजीली कर पाएगी, जो कि अगेन इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। एंड कंपनी इस वक्त US के मार्केट, यूरोप जैसे बड़े मार्केट में भी एंटर कर रही है, एंड वहाँ के कस्टमर को भी सर्व कर पा रही है, जो कि अगेन कंपनी के लिए फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। एंड कंपनी अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान कर रही है, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। एंड कंपनी के जो कस्टमर्स हैं वो भी अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो जो कि अगेन इस कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो ये था कंपनी का कुछ कुछ इंट्रोडक्शन, एंड यहाँ पे अब हम कंपनी का नंबर्स को कवर कर लेते हैं, समझते हैं कंपनी का नंबर्स क्या बोलता है इस कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहला अगर कंपनी का एनुअल रेवेन्यू देखोगे, तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू में देखिए अच्छा खासा राइज आया है, पिछले 5 साल का एवरेज ग्रोथ अराउंड 11%, का जो कि ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, बट हमें रिसेंट क्वार्टर में अच्छा खासा कंपनी का रेवेन्यू में जंप देखने को मिला। एंड उसी प्रकार कंपनी का प्रॉफिट में देखोगे तो पिछले 5 साल में करीब 13.38% का एवरेज ग्रोथ है, एंड पिछले एक साल में 138% का ग्रोथ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा ग्रोथ है।
एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन में रिसेंट एक साल में, यानी कि मार्च 2022 में। एंड उसी प्रकार कंपनी का क्वार्टर रेवेन्यू देखोगे तो वो भी अच्छा हुआ है पहले के कंपेरिजन में। एंड कंपनी का जो क्वार्टर प्रॉफिट है वहाँ पर हमें थोड़ा सा फॉल देखने को मिला, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव बात है क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस काफ़ी बढ़ गया था। एंड यहाँ पे अगर वापस राइज देखने को मिलता है आने वाले एक दो क्वार्टर के अंदर अंदर, तब मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला इस कंपनी के लिए। हमें हो सकता है कि स्टॉक्स में बड़े जंप देखने को मिले अगर क्वार्टर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले हमें आने वाले क्वार्टर का वेट करना चाहिए। देखते हैं क्वार्टर रिजल्ट क्या आता है, अगर कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तब हमें इस स्टॉक में अच्छा खासा राइज देखने को मिल सकता है। तो क्वार्टर रिजल्ट का हमें इंतज़ार करना है अच्छे से। एंड यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखो तो वो काफ़ी ज़्यादा पहले से स्ट्रांग हो चुका है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव बात होता है किसी भी कंपनी के लिए। एंड कंपनी का रिजर्व भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो कंपनी का नंबर्स तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, अच्छा खासा इंप्रूवमेंट भी हमें देखने को मिल रहा है। एंड उसी प्रकार कंपनी का जो बोरिंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं है इस वक्त, हालांकि पिछले कुछ सालों में राइज हुए बट वो ज़्यादा नहीं है कंपनी का बोरिंग्स। मुझे यहाँ पे कोई टेंशन इस वक्त नज़र नहीं आता है कंपनी का बोरिंग्स में। तो यहाँ पे कंपनी का रेशियो देखोगे तो 14% का मार्जिन है जो कि इम्प्रूव हो रहा है। एंड कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्रूव 35.4% का, यानी कंपनी अपना जो इन्वेस्टमेंट की है कैपिटल को वहाँ से 35% का रिटर्न जनरेट कर पा रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर एंड बड़ा नंबर है। कंपनी इस वक्त 8 की पी में ट्रेड हो रहा है जबकि इंडस्ट्री एवरेज 26 है, यानी कंपनी का वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अच्छा है। कंसीडर करो कि कंपनी का रेवेन्यू में एंड प्रॉफिट में ग्रोथ, मार्जिन में कंपनी का इंप्रूवमेंट है, कैश फ्लो अच्छा है, उस प्रकार अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में तो कंपनी तो इस वक्त सस्ता अवेलेबल है। एंड कंपनी का बुक वैल्यू 116 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 178, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। ये स्टॉक बिल्कुल भी ओवर वैल्यूड नहीं है ऐसा बोल सकते हैं। एंड कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 16 times है, यानी कंपनी फंडामेंटली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कंपनी इजीली अपना डेट को रीपे कर सकती है, फाइनेंशियली साउंड कंपनी है। एंड कंपनी का अगर आप ग्राफ देखोगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का ऑल टाइम हाई अराउंड 335 का था, अभी इस वक्त अराउंड 200 के लेवल पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी की शेयर पे इस वक्त आपको करीब 40% का यहाँ पे फॉल देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बड़ा फॉल है अपने ऑल टाइम हाई से, कंसिडरिंग कंपनी का नंबर्स इंप्रूव हो रहा है। तो अगर क्वार्टर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तब मुझे लगता है कि आपको इस कंपनी में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो आपको अपनी एनालिसिस करनी बहुत ही ज़रूरी है किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले, मेरी बात सुनकर कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन कभी भी ना लें, अपनी एनालिसिस ज़रूर करें या फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। बट मैं चाहता हूं कि आप अपनी एनालिसिस इस कंपनी में ज़रूर से करें, क्योंकि मुझे यहां पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी नज़र आ रहा है इस वक्त, ठीक है। तो आप भी एनालाइज करें एंड आप अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट करके ज़रूर शेयर करें, ताकि काफ़ी ज़्यादा लोग आपकी पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाएंगे कि आपका क्या कहना है इस कंपनी के बारे में, एंड शायद मैं भी आपसे कुछ लर्न कर सकूं। तो यहाँ पे ख़त्म करते मेरे इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को तो ज़रूर मिला होगा। तो हमने आज की इस वीडियो में निफ्टी के बारे में कवर किया, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस देखा, कोविड में आपको क्या करना मैंने आपको वो बताया, एंड हमने तिरुमलाई केमिकल्स का फंडामेंटल एनालिसिस भी देखा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना एंड कृपा करके बेल आइकन को दबा देना। चलिए चलता हूँ, बाय, दोबारा मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ एंड ढेर सारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय, टेक केयर, एंजॉय।